12 जड़ी बूटियों से बना रेक्स ब्रेन टॉनिक खाएं। खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्मार्ट लोगों की चॉइस, रेक्स ब्रेन टॉनिक। हमारे साथ बप्सा से स्टूडेंट हैं जो राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या मांग है आपकी, क्या डिमांड है? देखिए, हमारी डिमांड यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को, दलितों को टारगेट बना के मारा जा रहा है, और हम देख रहे जब से योगी सरकार आई है सत्ता में, तब से हमें देखते जा रहे कि अटैक होते जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जा रही है। उसका कारण हम ये समझते कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो लोग सरकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं। वही लोग हैं जो सरकार की जो एक मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, की जा रही है। हमारी आज की प्रोटेस्ट की डिमांड यही है कि जो योगी बैठे हुए हैं सरकार में, वो कानूनी रूप से वहाँ के सीएम हैं। वो इसलिए सीएम नहीं है कि आरएसएस के हेड चाहते कि वो सीएम हो, वो इसलिए सीएम नहीं है क्योंकि मनुस्मृति चाहते वो सीएम हो, वो इसलिए सीएम है क्योंकि इस देश का संविधान उनको अलाउ करता है कि वो सीएम है। अगर देश का संविधान उनको सीएम बनने के लिए अलाउ करता है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के, चाहे किसी जात धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे और उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिए, ऐसा एक इन्वायरमेंट वहाँ पर बने। पिछले कुछ दिनों में देखने में ये आ रहा है, जो भी कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पत्रकार हो, पत्रकार की अगर बात किया है, कुछ गिने चुने ही पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाए, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं, एक पूरा अटैक किया जा रहा है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी बात करता है, चाहे वो सड़क पर प्रोटेस्ट करता हो या घर में बैठ के ट्विटर पर कुछ लिखता हो, सरकार घर से लेकर सड़कों तक जहाँ जहाँ इस राइट विंग बीजेपी के सरकार के खिलाफ जो भी कुछ बोलता है उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइज अटैक किया जा रहा है। उसके पर्सनल लाइफ से लेकर पब्लिक लाइफ तक उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा वक्त हम देख रहे हैं जहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जहाँ पर अपोजिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जहाँ पर डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जो मूल्य है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और ये सरकार इस देश के संविधान के खिलाफ है, ये सरकार इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, और इसीलिए इस देश के दलित, आदिवासी, मुस्लिम और तमाम तरह के जो पिछड़े सेक्शन के लोग हैं उनको साथ में आके इस एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं लेकिन तादाद बहुत कम नजर आ रही है, तो क्या दलित भी पूरी तरह डर गए हैं, मुसलमान तो डरे हुए लगी रहे हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कासगंज का मामला सामने आया है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जाकर हमने देखा भी है, लोग बहुत डरे हुए, लोग डरे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे और भी कुछ सेक्शन हो जो इस सरकार के खिलाफ है, एक डर उनके अंदर है। लेकिन दलित, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर, चाहे यूपी के अंदर हो, वो अपना ही लड़ाई लड़ते आ रहा है। चाहे वो नंबर कम हो, ज़्यादा हो, वो दिन और टाइम की बात है। हो सकता है कि आज के प्रोटेस्ट में हमने कम नंबर लेके आए, इसीलिए अगर ये सरकार हमारी डिमांड नहीं मानती है तो अगला जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें बहुत भारी तादाद में लोग आने वाले हैं, ना केवल स्टूडेंट लेकिन दलित, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस सरकार के खिलाफ दिल्ली में किया जाएगा। क्या आप मांग कर रहे हैं खासतौर से राबिया के मामले में? हमारी मांग यही है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के नाम पर इस देश का संविधान बोलता है कि किसी के साथ भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि ये सरकार आने के बाद में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज अटैक हो रहा है, तो हमारी मांग ये है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, ना कि मनुस्मृति के आधार पर सरकार चले। हमारी मांग ये है कि इस देश का हर नागरिक को एक सुरक्षा मिले, और जो इस समाज के गुंडे हैं, जो ठाकुर के फॉर्म में दिख रहे यूपी के अंदर, जो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के फॉर्म में जो गुंडे दिख रहे, इन गुंडों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, और यही बात योगी ने जब शपथ ली थी या कही थी, लेकिन इस तरह का देखने में नहीं आता। ये ढोंग है बीजेपी सरकार, चाहे वो इसके पहले भी जब सरकार में आई थी और अभी भी सरकार, ये ढोंग हमेशा से किए जा रही है कि वो सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, सबका साथ सबका विकास होता तो इस देश में
यूनिवर्सिटी के अंदर दलित छात्र आत्महत्या नहीं करता। सबका साथ सबका विकास होता तो इस देश में महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। सबका साथ सबका विकास होता तो इस देश में गरीबी जो है हमारे देश में वो 60% से ज़्यादा नहीं होती। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इस देश के अंदर विदाउट किसी की कास्ट रिलीजन या सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि हो रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है। इसीलिए ये सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं चाहती है। ये सरकार ठाकुरों का विकास चाहती है, ब्राह्मणों का विकास चाहती है, इस देश के बनियाओं का विकास चाहती है। शुक्रिया। ये थे छात्र जो बता रहे थे किस चीज़ को लेकर राबिया का साथ चलाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज मैक्स के लिए शकील अहमद।